नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्यं व्याप्रकाशयति च प्रचारं कृतवान् मैं गुरु महाराज से पहली बार सिराडा के धाड़ी मंदिर में लगभग 2015 में मिला था। उस समय में मुझे कुछ नहीं पता था। गुरु महाराज भगवद गीता निरखन चल रहा था तो वहाँ जाए थे सभी को उत्साहित करने के लिए। पूरा टेम्पल बहुत भरा हुआ था। क्लास हुआ, क्लास के अंत में बनवारी महाराज विष्णु प्रभु थे, उन्होंने अनाउंस किया कि आज जो भी भगवद गीता देगा उसके गुरु महाराज साइन करेंगे। तो मेरे पास गीता था लेकिन मैं सोचा मैं भी ले लेता हूँ, तो मैं भी गीता कॉन्टेस्ट से लिया गया साइन करने के लिए। बहुत लोग लिए, बहुत लोग भगवद गीता लिए गुरु महाराज साइन के लिए। तो प्रभु जी बोले थे कि आप एक एक करके आइए, सभी को गुरु महाराज साइन करके देंगे गीता आराम से। बार बार कह रहे थे लेकिन भक्तों में उतना उत्साह ज़्यादा था। सभी लोग गुरु महाराज के सामने पहले पहले मेरा साइन पहले सब गुरु महाराज के सामने पूरा भगवत लेके मुँह को बटा रहा था गुरु महाराज को, लेकिन गुरु महाराज बहुत आराम से साइन करके एक एक करके दे रहे थे एकदम साइन करके एकदम। कितना भी उनके सामने जा रहा था कितना तो भी और चिल्ला रहे कि रुकी आराम से आइए, लेकिन फिर भी किसी के अंदर ज़्यादा भी उस टाइम पर उत्साह भक्त लोग ज़्यादा थे। तो मैं सोचा कि मैं वही बैठा था, मैं अपने मन में सोच रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार से मुंह के पास बार बार ले जाए तो क्रोध आ जाएगा, है ना, कि हटाओ ऐसे। मैं होकर बोल दूँ हटाओ, बाकी तो मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज बहुत आराम से साइन करके देते थे एकदम, बहुत आराम से, कोई घाय नहीं। तो मैं अपने मन में सोचा कि इतने शांत गुरु महाराज हैं, अगर इनसे दीक्षा हो जाए तो मेरा जीवन बन जाएगा। तो भगवत कृपा से मुझ जैसे व्यक्ति का उन्होंने कृपा किया। जब मैं दिल्ली में था ट्रेनिंग के टाइम पे, तो गुरु महाराज को देखता था कि मतलब उनका दर्शन करने का मौका काफ़ी मिलता था, सेवा करने का मौका भी मिलता था विशेष करके। तब गुरु महाराज जब ऑल्टर में आते थे तो हम लोग उनका रूम क्लीनिंग करने के लिए बाकी सब सेवा करने के लिए जाते थे। तो गुरु महाराज को देखा कि गुरु महाराज जब ड्यूटी के वर्शिप करते थे तो एक व्यक्ति उनको था, एक भक्त थे जो उनको कोई भी जो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति सेवा करेंगे, कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए गुरु महाराज सेवा कर रहे हैं तो उनको भगवत गीता भागवत उनको सुना रहे हैं, पाठ सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से गुरु महाराज को पढ़ने में बहुत रुचि थी, ग्रंथ वितरण में, और विशेष करके ग्रंथ वितरण के लिए गुरु महाराज सबको बहुत उत्साहित करते थे। आज भी कई सारे टीम है जो निरंतर पूरे 12 महीना वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रहती है, मतलब कई सारे ऐसे बस है वैन है। तो जब जाते थे पहली बार, जब मैं जब गया था तो 2 महीने के लिए पूरा सब कोई टीम जाती है, 2 महीना मंदिर में केवल पुजारी रहते हैं बस, और मंदिर में कोई दिखाई देगा नहीं, केवल ड्यूटी वर्शिप के लिए पुजारी रहते हैं, बाकी सब लोग डिस्कशन में चले जाते हैं जितने भी लोग हैं। तो उस टाइम पे हमारे बैच में लगभग 54 लोग थे, तो सब लोग गए गोपी बाबू ले गए गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए। तो बोले गुरु महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। सब लोग पहले टारगेट लिए थे, पहले प्रभु जी ने सबको टारगेट दिए कि आप लोग बताओ कितना 1000 करोगे 2 महीने में। तो अपना अपना टारगेट लिए सभी लोगों के, 2000 के, 3000 के, 500। तो सब लोग गए गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज से सब लोग खुश है कि गुरु महाराज आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग अपने इसमें सक्सेस हो पाएँ या कर पाएँ, आपकी कृपा होगा तो हो जाएगा। गुरु महाराज बोले जाओ आप सबसे ज़्यादा करोगे। तो उस बार 63,000 भगवद गीता केवल वो टीम ने, 54 लोग ने 63,000 भगवद गीता 2 महीने में डिसीजन करके आया। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद बहुत ही जो भी बोल देते हैं निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। और गुरु महाराज बहुत डिफिकल्ट कार्य अपने जीवन में किए। जब गुरु महाराज स्वस्थ शरीर यहाँ पर थे तो इतना मन नहीं होता था, लेकिन अब जो है गुरु महाराज जब नहीं है अंतर ध्यान हो गए तो उनकी आवाज़, उनकी वाणी, उनकी बहुत ही मतलब पीड़ा का अनुभव होता है कि गुरु महाराज जब रसिया में प्रचार करना कितना डिफिकल्ट था। मैं सुन रहा था कि रसिया में कोई भी स्पिरिचुअल ग्रंथ को वितरण नहीं कर सकते थे उस टाइम पे, तो गुरु महाराज माताओं के साड़ी में पॉकेट बना देते थे, उसमें ग्रंथ सब ज़्यादा था। अगर चेक कर लो तो कहीं कुछ मिलता नहीं था बुक में, लेकिन माताओं के साड़ी में बुक सब ज़्यादा था। और तब वहाँ पर जाकर ग्रंथ का वितरण किसी 1-to-1 नहीं करते थे, किसी पार्क में कहीं छोड़ देते थे ग्रंथ को, ऐसा छोड़ के आ जाते थे, कोई भी लेगा तो पढ़ेगा। इस प्रकार से ऐसे ऐसे जगह पर गुरु महाराज प्रचार किए जहाँ पर बहुत डिफिकल्ट था, पाकिस्तान में, चाइना में,
ऐसे ऐसे कंट्री में जहाँ पे जाना भी मुश्किल है, लेकिन ऐसे जगह पे पूरा खतरा मोल लेके गुरु महाराज ने अपनी सारे जीवन प्रभुपाद की वाणी पे और प्रभुपाद की सेवा में इतना समर्पण अद्वितीय है, बहुत असंभव है। कि गुरु महाराज देखा जाता है, गुरु महाराज जब भी कितना भी लेट आए, भारत जो रात को क्यों नहीं आए, एक घंटे में उठ जाते थे और उनकी सेवक थे, मैंने कपड़ा तैयार करो, गुरु महाराज अभी तो एक बजे हैं, अच्छा ठीक है, फिर कुछ टाइम लेट जाते थे, फिर एक घंटे पर उठ जाते थे। ऐसा हो नहीं सकता है, वो व्यक्ति 12 बजे 1 बजे आए, इतना ट्रैवलिंग करके तो शरीर थक जाता है, पर गुरु महाराज का ये भौतिक शरीर था ही नहीं, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा सेवा के लिए 24 घंटा तैयार रहते थे। और इतना संभव नहीं है कि इतना सेवा में इतना ज़्यादा 24 एक एक क्षण अपने उन्होंने प्रभुपाद को दिया था और एक एक क्षण उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो गुरु महाराज से आचरण से देखने के लिए मिलता है कि गुरु महाराज इतने शांत थे कि कोई गुरु महाराज को डांट भी देता था तो गुरु महाराज एक बार उन्हें जवाब नहीं देते थे। एक बार मैं सुन रहा था कि एक बार वृंदावन में कोई मैनेजमेंट के व्यक्ति थे जो गुरु महाराज को डांट दिया सबके सामने में, ये क्या कर रहे हैं आप, कैसा मैनेजमेंट है आपका, गंदा है आप, ये करते, बहुत डांट के चला गया और बहुत गुस्से में चला गया। फिर गुरु महाराज पूछे कहाँ रहते हैं, बोले गुरु महाराज सामने में रहते हैं। गुरु महाराज कुछ लोगों के साथ में गए और उनके घर पर गए, उनको क्षमा याचना किया कि मेरे वजह से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा, बहुत क्रोध करना पड़ा, पर मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरु महाराज दंडवत कर दिए उनको, तो कह रहे हैं आप महाराज आप किस मिट्टी से बने हैं आप, मैं आपकी इतना डांटा सबके सामने में, लेकिन आप मेरे सामने यहाँ दंडवत कर रहे हैं, तो ऐसा कोई डांट भी दे कुछ कितना भी सुना दे, गुरु महाराज बहुत शांत पूर्वक उनको सुन के लेते थे। ऐसा गुण गुरु महाराज में अद्वितीय गुण संसार में, ऐसा भूषण कहते हैं कि आज तक तो ऐसा कभी हुआ है ना कि ऐसा हो सकता है, इतना शांत भाव में गुरु महाराज सेवा के लिए देखा जाता है। गुरु महाराज कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएं, एक बार दिल्ली मंदिर में गुरु महाराज ठंडी के टाइम पर वॉकिंग करने जा रहे थे, तो गए तो एक भिखारी आ गया सामने गुरु महाराज सामने, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक ठंडी लग रही जैकेट चाहिए, तो मांगा उन्होंने, आप इतने तो इतने बड़े हैं तो आप मुझे कुछ दीजिए। तो वहाँ पे कृष्ण प्रिया प्रभु थे, तो उन्होंने कहा कि आप इनको जैकेट दिलाओ, और गुरु महाराज वहाँ पे बोल दिए उनको, आगे फिर मुंबई आना था उनको, जुहू से आगे फिर फ़ोन किए, आपने जैकेट दिलाया उसको, बोला गुरु महाराज सही में देना है क्या, बोला हाँ सही में देना है, सही में देना है। तो फिर जैकेट लिया, उस भिखारी को दिया, बात कराया, गुरु महाराज दे दिया उसको, ठीक है। तो ऐसा गुरु महाराज का तो ये भाव था सेवा करने का, किसी के प्रति भी, किसी को डांटते नहीं थे, किसी को भी कैसा भी हो कोई भी सेवा आधे दे, आप कर सकते हैं क्या ऐसा, आप ये सेवा कर सकते हैं क्या। एक बार बनवाली महाराज अभी उनका संन्यास दीक्षा हो गया था, तो गुरु महाराज आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे गुरु महाराज को बनवाली महाराज कपड़ा एरन करके नहीं पहनते थे मतलब, तो उन्होंने डायरेक्ट उनको नहीं कहा, उन्होंने दामोदर हरि प्रभु को कहा कि आप इनको आप कहना कि इनको एरन करके कपड़ा पहनना चाहिए बाहर जगह जाते हैं। तो महाराज मुझे बोले कि ऐसा दामोदर हरि प्रभु बोले, तो गुरु महाराज स्वयं अपने मुँह से नहीं बोले, क्योंकि आज्ञा हो जाएगा कहीं पालन ना हो, इसलिए कभी गुरु महाराज किसी को आज्ञा नहीं करते थे, दूसरे के माध्यम से वो कार्य कराना चाहते थे। जैसे हमारे गुरु महाराज बहुत अद्वितीय हैं, और हम गुरु महाराज देखा जाए तो बाकी सब गुरु महाराज बहुत लोगों को परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं दीक्षा देने के लिए, गुण है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, पर गुरु महाराज का शिष्य मैं तो एकदम मेरे जैसे ही, मैं तो एकदम भूतनाथ हूँ मतलब, तो ऐसे गुरु महाराज के ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जिनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भी गुरु महाराज उनके ऊपर कृपा किए हैं और हमेशा कृपा करते आ रहे हैं। तो इसी साथ में वाणी को विराम करता हूँ, भगवत पाद महाराज की हरे कृष्ण। बहुत उसके बाद लोकाध्यक्ष प्रभु नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाशन वितीर्य च प्रचारण कृत्वा साधु भागवत पदाय ते नमः। शिल गुरुदेव के अनंत गुण है, जैसे भगवान शेष अपने अनंत मुखों से भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं परंतु उसको पार नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जो गुरु है, उसके गुणों का वर्णन करना भी असीम है। परंतु आदि गुरु बलराम जी
और राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने गुरु के गुणों का गुणगान करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। आज परम पवित्र दिन है, आज के दिन ही हमारे गुरु महाराज का आविर्भाव हुआ था। गुरु का मतलब होता है बड़ा, जो व्यापक होता है उसको गुरु कहा जाता है, और गुरु का अर्थ ये भी होता है भारी। तो गुरु शब्द में ही इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। तो शास्त्र में कहा गया है कि हम जब गुरु को ग्रहण करते हैं तो उससे पहले हम गुरु को जानते हैं, उस गुरु की योग्यताओं को देखते हैं, तो उस गुरु की किस में रुचि है, फिर हम लोग गुरु को ग्रहण करते हैं। परंतु शास्त्र में ये कहा गया है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद भी गुरु को नित्य प्रतिदिन जानना है। तो हम नित्य कैसे गुरु को जान सकते हैं? तो हम गुरु को प्रवचनों के माध्यम से, उन्होंने जो अपने गुरु के प्रति जो सेवा की है, उस सेवा को जानने से ही हम गुरु के भाव को जान सकते हैं। इसीलिए प्रतिदिन रोज गुरु को जानना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि 3 टाइम गुरु को याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि रोज हमें गुरु को जानना है। इस प्रकार जब हम गुरु को जानेंगे तो हम गुरु के उस भाव को पकड़ सकते हैं, और जब हमने उस गुरु के भाव को पकड़ लिया तब हम कभी हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हुए, उनमें से कुछ ऐसे शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी को एक भी समय नहीं मिले हैं, एक भी बार नहीं मिले हैं, परंतु आज तक वो ईश्वर में रहकर सेवा किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को जाना। और कहीं प्रभुपाद जी के ऐसे भी शिष्य जो हमेशा प्रभुपाद जी के साथ थे परंतु आज वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस गुरु के महत्व को या गुरु को जाना नहीं है। इसी प्रकार जब हम नित्य प्रतिदिन अपने गुरु को जानेंगे तो निश्चित उस गुरु में हमारी रति होगी, और वो गुरु जो कर रहे हैं, इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने इसी प्रकार प्रभुपाद जी के मूड को जाना, उनको पकड़ा और पकड़कर उनको पूरा सरेंडर किया। और जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने महाराज को डायरेक्ट एक आदेश दिया था, जो प्रभुपाद जी को अपने गुरु ने दिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को कहा था कि आपके पास जब भी पैसा आए तब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, और यही चीज को प्रभुपाद जी ने महाराज के लिए ट्रांसफर किया कि आप बुकों को छापिए और बीबीटी का विस्तार कीजिए, और प्रत्येक जन जन पर भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों को पहुंचाइए। और प्रभुपाद जी के जो इस वचन था, उनका जो आदेश था, उनका महाराज ने सही सही पालन किया, और आज देखते हैं कि इसको में सबसे बड़े कोई बूस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है तो है ही होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। उसका कारण यही है कि उन्होंने गुरु के मूड को पकड़ा। हमेशा गुरु को रोज जानना चाहिए उनके प्रवचनों के माध्यम से, और इस प्रकार जब हम गुरु को जानेंगे तो हम उस गुरु के प्रति हमारी शरणागति श्रद्धा बढ़ जाएगी। एक बार निष्ठा बढ़ गए, निष्ठा स्थापित हो गए, तब हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। एक प्रसंग में याद कर रहा था, जब प्रभुपाद जी का लीला कथा को मैं सुन रहा था, और उसमें जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाना चाहते थे तब उसने सुमति मुरार जी है उनके ऑफिस पे गए थे, और उस समय वो थी नहीं, तो प्रभुपाद जी घंटों बाहर बैठे। जब सुमती मुरार जी आई तो प्रभुपाद जी उनको मिलने गए, और सुमती मुरार जी का प्रभुपाद जी के प्रति बहुत अच्छा भाव था, और प्रभुपाद जी भी सुमती मुरार जी देसाई को अपनी बेटी के समान ही मानते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी आप जाने दीजिए, मुझे जलदूत में जाना है, आपका जो कार्गो शिप जा रहा है उसमें मुझे जाना है। तब सुमती मुरार जी देसाई ने उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, आप स्वामी जी आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका उम्र 69 हो चुका है, और यहाँ से समुद्र में जाना मतलब बहुत तकलीफ है, स्वामी जी आपको अटैक भी आ सकता है, और प्रभुपाद जी को आया भी। तब प्रभुपाद जी ने मुरारजी देसाई को कहा, सुमती मुरारजी जी को कहा कि हे मुरारजी, मुझे अपने गुरु ने आदेश दिया है कि मुझे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना है, तो मैं अगर अपने वृंदावन में रहा, भजन किया, अगर मैंने गुरु महाराज के वचनों को सिद्ध नहीं किया तो मेरे जीवन का क्या महत्व है? उससे अच्छा है कि अगर मैं जलदूत में अटैक आया और मर भी गया तो मैंने
कम से कम अपने गुरु के वचन को सिद्ध करने के लिए प्रयास तो किया है और वह सेवा करते करते मैं अपने जीवन का त्याग करूंगा। तो यही चीज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में दिखने को मिली कि वह दिल्ली में थे और वहां से सब लोग ना बोल रहे थे कि आप मत जाओ, उस ब्यूरो की मीटिंग में आपको नहीं जाना है महाराज, आप आराम कीजिए। फिर भी वहां गए और जो योद्धा होता है वो कर्म भूमि में अपने शरीर को छोड़ता है, उसी प्रकार महाराज ने प्रभुपाद जी की सेवा करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये है आचार्य का समर्पण होता। तो इस प्रकार हम गुरु महाराज से आज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, आप हमें शक्ति दीजिए कि हम आपके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लोकाध्यक्ष प्रभु, आप अपने बच्चों को थोड़ा बाहर लेके जाइए। हरे कृष्णा। माताजी से निवेदन है, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं उसको बाहर हॉल के बाहर रखिए, या तो शांति से बिठाइए चुपचाप, ठीक है ना। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम परम पूज्य परम आदरणीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का 80वां व्यास पूजा महोत्सव मना रहे हैं। ये उनका प्रागट्य दिन है, लेकिन ये प्रथम हमारा व्यास पूजा है, प्रथम उनका प्रागट्य दिन मना रहे हैं, जो उनके विरह वेदना में अप्रकट के बाद ये पहला व्यास पूजा उत्सव है। और हर शिष्य के मन में उनके विरह की वेदना का स्मरण होना चाहिए। विरह वेदना का स्मरण का अर्थ होता है उनके गुणों को स्मरण करना, उनके शिक्षाओं का स्मरण करना, उनकी उन दिव्य लीलाओं का स्मरण करना, यह है वीर वेदना का स्मरण। गुरु महाराज का प्रागट्य जैसा हम देखते हैं 1944 में हुआ और वो विशेष वर्ष था। विशेष वर्ष भक्तों के लिए तो था ही, पूरे विश्व के लिए भी एक बहुत ही विशेष वर्ष था। शायद आप लोग जानते होंगे कि उस वर्ष में प्रभुपाद जी ने भगवत दर्शन का प्रकाशन किया और उसी वर्ष में गुरु महाराज का प्रागट्य हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ 1944 का वर्ष पूरे विश्व के लिए बहुत घातक था। उस वर्ष में पूरा दूसरा जो विश्व युद्ध है पूरे विश्व में आतंक, सब लोग आतंकित थे, बहुत विकराल रूप ले रहा था दूसरा विश्व युद्ध 1944 में। उस वर्ष में गुरु महाराज का प्रागट्य हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत का युद्ध विकराल रूप ले रहा और गीता का प्रागट्य हुआ, ऐसे गुरु महाराज का प्रागट्य हुआ। तो एक संयोग है, प्रभुपाद जी का भी प्रागट्य जो हुआ था 1896 में, उस वर्ष में भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर एक बुक ग्रंथ छापा था और उस ग्रंथ को पहली बार चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पहली बार वो बुक ग्रंथ विदेश गया था, विदेश भेजा था भक्ति विनोद ठाकुर ने। और उसी ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था कि एक सेनापति आएगा और इस गौरवाणी को पूरे विश्व में फैलाए, वो उस ग्रंथ में था। वो ग्रंथ उन्होंने 96 में प्रकाशन किया था और उस 96 में प्रभुपाद जी का प्रागट्य। तो कैसे समन्वय है ऐसा। अभी मैं ये भगवत दर्शन पढ़ रहा था तो उसमें बंसीधर प्रभु लगते हैं कि बाप का बेटा और सिपाही का घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इस बात पर याद आया कि प्रभुपाद जी का एक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो उस समय प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने प्रभुपाद जी को आकर कहा कि प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
क्या हम ऐसा नहीं कर सकते ययाति के जैसा कि हम अपनी जवानी आपको दे दें पर आपका दम हम लेने को तैयार है। तो प्रभुपाद ने बहुत सटीक उत्तर दिया कि मैं ऐसा क्यों करूं। ययाति ने तो ऐसा भोगों के लिए किया था, बाकी जो मैं करना चाहता हूं वो मैं मेरे शिष्यों से कराऊंगा। तो मैं ट्रांसफर करूंगा। तो मैं जो बोला कि सिपाही का घोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो प्रभुपाद जी का आप देखिए विश्व की दो महासत्ताएं थी, भले एक महासत्ता को अमेरिका ने तोड़ दिया लेकिन उस समय दो महासत्ता, सोवियत संघ रूस और अमेरिका। अमेरिका को सर किया प्रभुपाद ने, जीता, और रसिया को सर किया गुरु महाराज ने। और अमेरिका से ज्यादा टफ रसिया को सर करना था, रसिया से खतरनाक था बहुत, क्योंकि रसिया कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट कंट्री का अर्थ आप जानते होंगे, भारत में एक कम्युनिस्ट नेता वामपंथी था, वो किसी हिंदू मंदिर में चला गया तो उसको पार्टी में से निकाल दिया, कम्युनिस्ट ये होता है। तो ऐसी कंट्री में प्रचार करना ये बहुत लोहे के चने सबाने से भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर गुरु महाराज ने संघर्ष करके किया। तो कहने का अर्थ है कैसे आध्यात्मिक पिता के गुण अपने शिष्य में आते हैं। तो ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुणों का थोड़ा स्मरण करते हुए करेंगे। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के लिए विशेष जो सब पूरे इस्कॉन के भक्तों में, विश्व भक्तों में एक बात है सबके मन में कि ये एक ऐसे हमारे आचार्य थे, गुरु थे, जिन्होंने इस्कॉन को प्रभुपाद के बाद बांध के रखा, जोड़ के रखा। ये बहुत ध्यान देने जैसी बात है। कभी कभी हम अधिकारी होकर बहुत वो करते हैं। कहने का अर्थ है कि ये कब हो सकता है, ये जब हो सकता है जब व्यक्ति दोष कम देखे और गुण के पर ध्यान रखे। हर व्यक्ति में गुण दोष होता है, कोई गुण दोष के बिना नहीं होता है। कोई सोचता है मेरे में कोई दोष नहीं है तो ये भी एक दोष है। तो गुण दोष होते हैं, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति महापुरुष या महात्मा किसको कहते हैं, जो दोषों को नहीं देखता गुण को देखता है। श्रीमद् भागवतम में आप देखते हैं ना, पहले स्कंद के 15वें अध्याय में प्रश्न पूछा गया नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा कि कलयुग में इतना दोष था तो परीक्षित ने दंड देकर क्यों छोड़ दिया, उसको आने क्यों दिया, ये तो दोषों का सागर है। तो इसलिए आने दिया कि अस्ति एक महागुण, उसमें एक महान गुण था इसलिए आने दिया। तो क्या क्या शिक्षा कि जो महापुरुष होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, वो दोषों पर दृष्टि नहीं देखते, वो एक गुण पर दृष्टि देते देखते हैं कि इसमें गुण क्या है। तो गुरु महाराज एक महापुरुष, उनमें ये दृष्टि था कि दोष तो होंगे सब में लेकिन इसमें गुण है कि इसको उनसे जुड़ा है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में आया है, महापुरुष का मतलब ये सबसे बड़ा गुण है। तो जैसे परीक्षित महाभागवत महापुरुष थे और उन्होंने कलयुग का गुण देखा और उसको आने दिया, ऐसे ही गुरु महाराज गुण देखते थे और उसका दोष अनदेखा करके उसको बांध दिया, तभी बांध के रख सकते हो आप। अगर दोष देखेंगे तो उसको बांध के सबको रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुरु महाराज में एक महापुरुष का, श्रीमद् भागवतम का, और ऐसे महाभागवतों के गुण थे उनमें, इसलिए वो बांध के रखते थे। कभी गुरु महाराज ने दोष दृष्टि नहीं, और दोष गुरु अगर देखता भी है तो दोष को दूर करना चाहता है, दोषी को दूर करना नहीं चाहता। हम लोग दोषी को दूर करते हैं, दोष को दूर नहीं करना चाहते। ये सीखना चाहिए गुरु महाराज जी के किस प्रकार उन्होंने जोड़ के रखा। तो ऐसे गुरु महाराज के अनेक गुण, उनकी उनका विजन, उनकी दूरदृष्टि। जैसे हम एक बार सुनने थे श्रीमान हर्ष गोविंद प्रभु से, ये मंदिर का बनाना था, हर्ष गोविंद प्रभु भी नए नए थे और आए थे मंदिर में। जब महाराज जैसे मिले तो उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो बोला मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो बोला आप मंदिर का भी थोड़ा संभालिए, सीधा और सौंप दिया इन पर भार। थी ना, आज कितना अच्छी तरह से प्रभु जी उसको संभाल रहे हैं। गुरु के बात को जब उन्होंने स्वीकार कर दिया, जिसने भी आप पूरे इस्कॉन में, मैं तो देखता हूँ कहीं जिन्होंने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया
उसको देख लो कि वो क्या नहीं करता है, क्या क्या कर सकते हैं। आज हमारे हर्ष गोविंद प्रभु भी बहुत पूरे फैले हुए हैं गुजरात में। तो ये इसलिए कि गुरु की कृपा उनको प्राप्त हुई। और देख लीजिए आप, जिन पर भी गुरु महाराज की कृपा है किया है, वो क्या नहीं कर सकता है। मुकुम करोति वाचालम, ऐसा तो ऐसे गुरु महाराज की दूरदृष्टि थी। एक दूरदृष्टि में मुझे याद आता है उनका लीला पूना का। पूना में गुरु महाराज कैंप में अपने रूम से बाहर निकलकर मंदिर में जा रहे थे दर्शन के लिए, तो उनके सामने एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, लगभग 80 साल की उम्र के आसपास में। तो वो खड़े थे, तो गुरु महाराज उनको देख कर खड़े रह गए। उन्होंने गुरु महाराज को हरे कृष्ण कहा, महाराज ने भी हरे कृष्ण कहा, और खड़े रहे तो उनसे बात करने लगे, आप कैसे हैं क्या। तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, एक मेरा निवेदन है। बोल, क्या निवेदन? बोला, मेरे पास राधा कृष्ण के विग्रह हैं, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और बच्चे विदेश हैं, तो उनकी कोई सेवा नहीं कर पाता, तो मैं मंदिर में दे दूँ। प्राय ये होता है ना, कई मंदिरों में लाकर लोग लड्डू गोपाल रख देते हैं, फोटो रख देते हैं। तो उन्होंने, तो महाराज ने कहा कि नहीं, आप अपने उधर रखो, मैं किसी भक्त को बोल दूंगा कि वो आके वहाँ सेवा करेगा आपके। बहुत बड़ा बंगला था, बहुत धनी व्यक्ति था। तो महाराज ने व्यवस्था कर दी, एक भक्त को कह दिया कि आप जाके उनके घर में अर्चा विग्रह की सेवा करके आओ। तो वो सेवा करने लगी और उससे वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हुआ। अब देखिए, उसके घर में से भले विग्रह चले जाते उसको लगता, लेकिन वो दुखी होता कि अरे कोई सेवा करने वाला नहीं था, मेरे भगवान चले गए। लेकिन उनके घर में रहकर सेवा हुआ तो बहुत प्रसन्न हुए, और इतने प्रसन्न हुए कि बस अब क्या करूं, महाराज ने कैसा कृपा की। और ऐसे करते करते जब कई बार मिले और बाद में मिले, तो बोला, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरा ये बंगला मैं आप इसको दे दूंगा। और आपको मालूम होगा, वो बंगला जो दिया था उसी बंगलों को बेचकर जो NVCC का भूमि खरीदा गया। महाराज की दृष्टि देखिए, दूरदृष्टि देखिए, वो दृष्टि कितने दूर तक काम है। थोड़ा सा कृपा किया और आज पूना का इतना बड़ा मंदिर बना। भूमि होना बहुत आवश्यक है, भूमि है तो मंदिर हम बना सकते हैं। बहुत टफ होता है भूमि का, लेकिन भूमि मिल गया तो उस पैसे से भूमि खरीदा गया। ये गुरु महाराज का दूरदृष्टि है। और गुरु महाराज का शिक्षा बहुत सरल और कितना। एक बार बहुत लगभग 10-12 साल पहले की बात है, मैं इस मंदिर में, तो मेरे मन में एक प्रश्न रहता था, 10 जो नाम अपराध है उसके विषय में। एक नाम अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को हरिराम महिमा का उपदेश देना। तो इस पर पहले पहले भक्तों के सबके मन में ऐसा प्रश्न रहता है, अरे ऐसा कैसा, हरिनाम की महिमा नहीं बताएंगे तो वो कैसे हरिनाम लेगा, है ना, महिमा तो बताना चाहिए। तो ये मना क्यों किया गया, हरिनाम की महिमा नहीं बतानी। तो ऐसा मैं सोच रहा था कि आज मैं गुरु महाराज को पूछूंगा, ऐसा सोच रहा था कि ऐसा कैसे। तो उसी प्रवचन में गुरु महाराज बोले कि जैसे 10वां 9वां नाम अपराध बताते हैं कि श्रद्धालु व्यक्तियों को हरिनाम महिमा, तो ये ऐसा है, हरिनाम का तो सबको बताना चाहिए, लेकिन महिमा का अर्थ है। तो महाराज ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि बिल्कुल प्रश्न शांत हो गया। महाराज ने बोला कि आपको कोई पहले पहले मिलता है तो पूछता आपका नाम क्या है, तो आप बताते वेद कहाँ रहते हो तो बताते, लेकिन कोई पूछते कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, उसमें कितना है पैसा, तो आप बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। ये अर्थ है इसका, उसको अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, वो ठीक है, लेकिन बैंक अकाउंट तो पहली बार में नहीं बताएंगे ना, आपका अभी तक श्रद्धा उस पर नहीं जमा है। तो इसका अर्थ ये होता है। तो मैं समझ गया, हाँ इसका अर्थ ये होता है ना, जैसे बोलते हैं कि एक अपराध है ना, 6ठा नाम अपराध, अर्थवाद का आरोप लगाना है, नंबर अर्थवाद का आरोप का यही अर्थ होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि नाम की महिमा बहुत बड़ा चढ़ा कर बताएंगे। ये एक नया श्रद्धालु व्यक्ति है, वो ऐसा सोच सकता है, तो उसके लिए भी एक अपराध बन जाएगा। इसलिए उसको नाम तो बताओ, लेकिन बहुत गहरी महिमा उसको एकदम से नहीं बताना, जैसे श्रद्धा बढ़ेगी ऐसे। तो इस प्रकार से कैसे समाधान हो जाता। एक बार महाराज का प्रवचन चल रहा था अपने मंदिर में, तो महाराज वो जो चैतन्य महाप्रभु एक पिल्ले का उद्धार करते हैं, तो महाराज इस प्रश्न बड़ा रुचि से कह रहे थे, है ना, उन्होंने का पिल्ला था और चैतन्य महाप्रभु ने उसका उद्धार किया। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछ लिया, क्या गुरु महाराज हम भी पाल सकते हैं कुत्ता क्या?
देखिए कितना टफ होता है, जब हम उसका प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई पूछेगा तो तब तो हम भी पाल सकते हैं कुत्ता है। शिवासन पालते थे, चैतन्य महाप्रभु पालते थे, तो हम भी पाल सकते। तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ अगर तुम उसका उद्धार कर सकते हो तो पाल सकते हो। समाधान हो गया एक ही उत्तर में। तो ऐसी महाराज की जो शिक्षा है, परिप्रश्न न सेव्या, ये गुण देखते थे गुरु महाराज। कई गुरु महाराज के गुण हैं। एक बहुत मुझे स्मरण होता है, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बातों में टेंशन में आ जाता हूँ, तो उस समय महाराज को याद करते हैं तो शांत हो जाता है टेंशन। यहाँ बहुत मीरा रोड में तो आप समझते, पहले बहुत संघर्ष चला, तो बहुत संघर्ष चलता था। तो गुरु महाराज आते थे तो मधुसूदन प्रभु हमारे साथ थे, प्रमुख गए थे महाराज के रूम में, तो महाराज बहुत ऐसा है वैसा हम बता रहे थे। फिर मधुसूदन प्रभु बोले, गुरु महाराज आपको टेंशन आ जाए इसलिए हम सारा नहीं बता रहे, बहुत समस्या है। तो गुरु महाराज ने बताओ, मैं इतना जल्दी टेंशन में नहीं आता हूँ। बहुत अच्छा लगा, कह देखिए कैसा होना, बहुत जल्दी टेंशन में नहीं आना चाहिए, टेंशन तो होंगे लेकिन तो, और वास्तव में नहीं आते थे इतना जल्दी। महाराज कभी टेंशन में देखा नहीं है बहुत, हालांकि पूरे ईश्वर की समस्या उनके माथे में रहती थी लेकिन टेंशन में नहीं रही। और टेंशन में रहते हो तो आप उसका समाधान नहीं कर पाओगे। तो ये ऐसे ऐसे गुण महाराज के याद आते हैं कि हमारा भी गुस्सा बढ़ता है। ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमारा उत्तरदायित्व है कि इन गुणों का स्मरण करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ें। और इसको जो लास्ट में गुरु महाराज ने जो डील लिखा, इसमें एक बहुत सुंदर बात लिखा है कि मैं कभी इस्कॉन से बाहर नहीं गया, और वास्तव में नहीं गया गुरु महाराज कभी नहीं गया। तो ये हमारे भक्तों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है उनसे। और एक एक डील में लिखा, एक एक बार महाराज ने उसके पहले कहा शरीर छोड़ने भगवत धाम जाने के पूर्व कि मैंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। आसान रास्ता का अर्थ होता है, ये क्या अर्थ होता है, हम लोग इधर बहुत दर्द हर्ष गोविंद प्रभु बोल रहे हैं ये करो वो करो दौड़ धाम करो, बस थोड़ा ये हो जाए घर का, फिर तो वृंदावन में जाकर आराम से। मीरा रोड में बहुत ये वृंदावन जाएंगे वहां आराम से भजन करेंगे। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो वृंदावन में भजन, तो प्रभुपाद ने बोला अरे क्या कर रहे हो, बोला आनंद आ रहा है। अरे ये वृंदावन तुम्हारे आनंद के लिए नहीं है, ये तो कृष्ण के आनंद के लिए है, जाओ प्रचार करो जाकर। तो उसने बोला कहां प्रचार करने जाओ, श्रीलंका जाओ, श्रीलंका श्रीलंका। अच्छा ठीक है पाकिस्तान जाओ, नहीं श्रीलंका जाऊंगा पाकिस्तान में जाना, युक्ति होती है आचार्यों की। तो गुरु महाराज ने ऐसा आसान रास्ता नहीं सुना कि हाँ आराम से वृंदावन में भजन करेंगे। अंत तक अंतिम क्षण तक वे प्रभुपाद जी की और इस्कॉन की सेवा करते हैं। कितनी बड़ी शिक्षा होती है, जब तक प्राण चलेंगे हाथ पर चल रहे हैं अंतिम समय तक। हालांकि उनको रोका भी जाता था कि महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वहां मत जाइए, ऐसा नहीं, जब तक श्वास में अंतिम समय तक सेवा करता रहूंगा। तो ऐसे गुरु महाराज के दिव्य गुण हैं जो हमको प्रेरित करते हैं इस भगवान की सेवा के लिए और इस्कॉन में बने रहने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील भगवत्पाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद लोकाध्यक्ष प्रभु करीबन लोकाध्यक्ष प्रभु गरुध्वज प्रभु, ये सब 1988-89 से मंदिर से जुड़े। और मुझे याद है मैं जब पहली बार भी मिला था जो अभी बात किया, तो महाराज जब आते थे तो ये मंदिर में 30-40 भक्त रहते थे और सभी हमारे डायमंड मर्चेंट गुजराती ज़्यादा रहते थे। उस समय में बहुत सारी समस्याएं रहती थी मंदिर में। एक बात मैंने बहुत मार किया, इतनी समस्या कि आज तो ऐसा कर डालेंगे गुरु महाराज को, ऐसा बोल देंगे ना ये नहीं चलेगा ना वो नहीं चलेगा। तो पहले गुरु महाराज आएंगे प्रणाम करेंगे, फिर तुरंत कीर्तन करेंगे, क्लास देंगे, और जो क्लास देंगे ना उसमें सारा आपके मन में जो जो आपने सोचा है उसका जवाब दे देंगे।
तो जब क्लास होने के बाद, पहले क्या था, इधर कोई फैसिलिटी नहीं थी, महाराज आते थे शाम को लेक्चर देते थे और रात को ही जाते थे, 10-10:30 बजे भी जाते थे, तो क्लास 9:30 बजे तक चलेगा, उसके बाद मीटिंग चलती थी, तो मीटिंग में क्या पूछे, सब एक दूसरे के मुंह देखते हैं, क्योंकि लेक्चर में ही बता दिया क्या होना चाहिए। और प्रभु जी ने बताया, महाराज जी रशिया में सबसे पहले शुरुआत से जाते थे, और रशिया में कजाकिस्तान, USSR था तभी, तो पूरा रशिया ही था, उसके बाद अलग अलग कंट्री हुए, उसमें 10,000 उनके शिष्य है रशिया में। महाराज जी खुद रशियन लैंग्वेज में प्रवचन करते थे, रशियन, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी महाराज। और एक रशिया में एक प्लेस है, उसको बोलते हैं चेचेनिया, जो मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर है, और वो रास्ते पे जाते समय एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, और वहाँ इस्कॉन का एक सेंटर है, तो महाराज वहाँ के GBC मीन्स पूरे रशिया के, तो उसके लिए जब गाड़ी निकालते थे तो पेट्रोल ऊपर भर के कैंस रहते हैं ना, उसको लेके जाते थे, तो वहाँ पहुँच के उनको पेट्रोल मिलेगा या यहाँ आके। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि ओनली गोपाल कृष्ण महाराज इज गोइंग टू दैट प्लेस इन वंस इन ईयर, हमेशा साल में एक बार उस जगह पे जाते थे, कि जहाँ पे चेचेनिया का नाम सुना होगा, इट इज़ वेरी बहुत ही नॉर्थ में है, जहाँ सारा बर्फ -30°, -25, -30 ऐसा प्लेस है। तो एक जगह डायरी में लिखा हुआ है कि गोपाल कृष्ण महाराज ही वहाँ पे विजिट करते थे, वहाँ पे प्रचार करते थे। तो ये दो चीज़ मुझे जो प्रभु जी ने बताया रशिया की, तो ये याद आया। अभी मैं शास्त्रदास प्रभु से निवेदन करूँगा, शास्त्रदास प्रभु हमारे ब्रह्मचारी इंचार्ज, बहुत सालों से महाराज से संपर्क में है, करीबन 25 साल के आसपास हो गए। उसके बाद कृष्ण शिष्य प्रभु आप तैयार रहिए। ओम ज्ञान अधिविराम से ज्ञानांजन सुरागे चुचुंदन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज मेरा रूप में पहली बार महाराज के व्यास पूजा में भाग ले रहा हूँ, इसमें फर्स्ट टाइम, तो मैं हमेशा महाराज का जो दिल्ली का महाराज का व्यास पूजा में जाते थे, तो इस बार तो बहुत वियोगयुक्त जन्मदिन उत्सव हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा करके मिक्स अनुभव दिखाया जा रहा है भक्तों में, आनंद भी है उसके साथ साथ वियोग भी है, वियोग का दुख भी है, तो आविर्भाव और तिरोभाव एक साथ हुआ जैसे लग रहा है। तो इस कारण से वैष्णव लोग का जो आविर्भाव और तिरोभाव दोनों उत्सव मनाया जाता है, उस भाव से हम लोग महाराज का विशेष एसोसिएशन का और उपदेशों का, उनके शिक्षाओं का स्मरण करके व्यक्तिगत रूप में जिसको महाराज से जो शिक्षा प्राप्त हुआ है, एसोसिएशन प्राप्त हुआ है, और ये स्मरण करके आज महाराज का भी जन्मदिन मना सकते हैं। तो मैं तात्विक से ज़्यादा महाराज का जो पर्सनल एसोसिएशन जब मुझे मिला है थोड़ा कुछ बताऊंगा। जिस प्रकार मैंने पहले भी कह चुका था, मैं इसको में आने से पहले गुरु के खोज में कई यात्रा किए हैं, उसमें नर्मदा के तट पे मैं शंकराचार्य का जो इंस्पिरेशन में जाके किसी संत महात्मा से मिले थे, तो ऐसे यात्रा करते करते एक श्री राम क्षेत्र था, श्री राम जी का मंदिर है, लेकिन उधर एक साधु थे, मैं तो देखा नहीं, जैसे प्रणाम किया उड़ के आ रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो वो एक स्टेयर केस, लकड़ी का स्टेयर है, उधर एक साधु बैठे थे,
और शंकरा परम्परा का गिरी साधु का गिरी बोलते हैं गिरी सरस्वती, उन्होंने मेरे के थोड़ा डांट के, मैं यंग था ना, एकदम यंग अवस्था था, 20-25 साल का, तो यंग अवस्था, तो उन्होंने थोड़ा डांट के बोला, हाँ ऐसे दौड़ दौड़ के भगवान मिल गया तुमको, ऐसे डांटे और मुझे बोला आप यहाँ रहो, ये मंदिर ले लो, आप संभालो। तो हमको कृष्ण के प्रति पहले से भाव था, तो हमने यात्रा भी करा, तो उन्होंने मना किया, मैं बोला अभी हमें गुरु प्राप्त हुआ भी नहीं है, तो हम कृष्ण का इसमें ज़्यादा तत्पर है, ऐसे बोल के इधर से निकल रहा था। उन्होंने मुझे बैठाया, बैठो, बैठाया, बैठने के बाद थोड़ा बहुत ज्योतिष व्योतिष जानते होंगे, हाथ वाथ देखे, उन्होंने बिठाया, आपको बहुत पढ़े लिखे एक वैष्णव गुरु मिलेगा। तो उस समय बोले थे, उस टाइम में इस्कॉन के कुछ ज़्यादा कुछ जानते, इस्कॉन के बारे में कुछ जानते नहीं, तो उसी प्रकार इस प्रकार बोले थे, वो बहुत एजड साधु था। तो मैंने मन में बैठ के ऐसे यात्रा करते रहा, करते रहा, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद में इस्कॉन से एसोसिएट हुआ था। तो जुहू में आते आते रहता था यात्रा मध्य में, तो महाराज को मिले, न्यू भक्त है, तो महाराज रोज आते थे प्रभुपाद जी से हार निकले, मैं कई बार बोल चुके हैं सब बातें हैं। तो महाराज का प्रथम बार रात का समय में मंदिर बंद होने के बाद मिले थे मैंने, जब मंदिर से क्लीन कर रहा था, तो महाराज सब भक्त लोगों को मुस्कुराते हुए जाते थे और प्रभुपाद जी का हार खुद लेके महाराज हाथ में ऐसे ऐसे डाल के अपना रूम में जाते थे। तो हम लोग उधर सेवा करने का टाइम, तो एक बार जो गेस्ट हाउस है उधर गोविंदा भी था, उधर लोग आते हैं, तो उधर हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी कभी कर लेते थे। तो एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो महाराज ऊपर से देख रहे थे, हमें तो पता नहीं था, ऊपर से महाराज देख रहे हैं, उधर महाराज का रूम के पास में। तो फिर एक डिवोटी को भेजा, महाराज बोला उनको बुला, ऊपर बुला, ऊपर महाराज का कमरे में बुलाया, महाराज बहुत प्रसन्न हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था देखा, तो महाराज शायद प्रसन्न हुआ, बाद में मालूम पड़ा ये बात है, महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्पेशल प्रसन्न हो जाता है। तो महाराज ऊपर बुला के बात की है और प्रसाद वगैरह दे दिए। तो उसके बाद हमारा जो मीरा रोड में आने के बाद महाराज का और ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन मिला है शुरुआत में। तो महाराज जब आते थे तो उनको तो पता है किस प्रकार का यंग अवस्था था। तो शुरुआत में बताता जो प्रोग्राम जब होता था, यहाँ पर कोई क्लीनिंग के लिए कोई नहीं था, ब्रह्मचारी करते थे, कमल वनमानी महाराज सब जगह रहते थे। आप विश्वास करोगे, कांग्रेशन बहुत आते थे उसी टाइम, गुजराती कांग्रेशन, और फीस्ट होने के बाद फिर दूसरा दिन ही क्लीन होता था जो मंदिर का जो है बाथरूम में, कॉमन बाथरूम में सब भक्त लोग ही क्लीन करता था। तो महाराज इधर आते थे, महाराज सीधा चप्पल उतार के सीधा इधर से वॉशरूम के लिए जाते थे, तो महाराज ज़्यादा करके मैं ही एस्कॉर्ट करता था। वो उधर पब्लिक बाथरूम में महाराज गया, मैं महाराज को बोला महाराज ब्रह्मचारी बाथरूम में चल गया, तो महाराज नहीं पब्लिक बाथरूम में गया और जस्ट गया ऐसे ही बाहर आया। तो वॉश बेसिन के उधर गया तो फीस्ट हो गया, तो सब लोग प्रसाद लिया हुआ, उसके अंदर राइस और वेजिटेबल सब ये हो के वॉश बेसिन भरा हुआ था। ये तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, और कोई जानता नहीं, मैं ही था साथ में। तो महाराज सीधा गया, अपना हाथ से ऐसे घुमा दिया भरा हुआ पानी और उच्चिष्ट जितना खाया, एक बार भी विचार नहीं किया। तो मैं महाराज सोचा है हम लोग तो कोई लकड़ी वकड़ी बना के घुमा देगा था, ये महाराज ऐसे कैसे किया, बिल्कुल हिचका नहीं महाराज ने। तो मैं बाद में ये सब उसी टाइम मेरे विचार में नहीं आता है, बाद में मैं ये सब सोचने का टाइम विचार में आया, महाराज वैष्णव का जो उच्चिष्ट है उसको तो बिल्कुल ऐसे कुछ गंदगी गंदी मानते नहीं है। तो ये सब महाराज किस प्रकार एक किस किस तरीके से हमको ये सब देख रहा है, महाराज पर्सनली ये सब कर रहे हैं, वो भी ऐसे नहीं है कोई आके देख रहा उसके लिए नहीं है सब महाराज का जो है। तो महाराज खास करके उस समय सब ब्रह्मचारी को सेपरेट मिलता था, एक एक भक्त एक निप्रोच, तो एक एक भक्त को अलग अलग बुला के मिलते थे महाराज। तो यहाँ पे एक बार हर्षोद्भव से मैं बोलते हुए महाराज ने 201 में मुझे अभी याद है, हर्षोद्भव अभी महाराज के सेंटेंस बता रहा हूँ।
Harsha Govind, you are looking marvel. Devotees are more important. याद है कि नहीं प्रभु आपको? तो हर्षवर्धन प्रभु को बहुत इंस्पायर करते थे महाराज जो ब्रह्मचारी का ख्याल रखने के लिए. इसलिए हम लोग अभी भी ब्रह्मचारी मीटिंग कर रहा तो हर्षवर्धन प्रभु को बुला के लेके बैठे थे. उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है हमारे सब देखभाल करने के लिए. तो एक बार फिर मैंने उधर एक बार मेरे को महाराज साउथ चले गया तो महाराज ने मुझे बताया आप लिख के दो मुझे वो कुछ ठंबल में लिख के दो. तो मैंने महाराज क्यों लिख के महाराज मैंने बोला मेरे को नहीं नहीं आप लिख के दो. तो लिख के मैंने से दिल्ली से लिया था उन्होंने. तो फिर मैं भी फिर भी मेरा फिर उधर ठीक था नहीं था बहुत ट्रैवलिंग करने के कारण मैं आते जाते रहता था. तो एक बार वनमाली महाराज ने महाराज को बोला महाराज शास्त्र टू स्टे हियर परमानेंटली. महाराज जी बोले वेर एवर ही सोके. महाराज जैसे बोले डिवोटी बोले थे मैं नहीं थे क्योंकि मुझे कोची में महाराज का बहुत क्लोज एसोसिएशन मिले थे. महाराज 10 दिन साल में 10 दिन उधर आते थे पंचकर्मा वगैरह करने के लिए. तो उसी टाइम उधर कोई ज़्यादा महाराज के डिसाइपल ज़्यादा क्या कोई भी नहीं था. तो डिसाइपल और डिवोटीज नहीं मिलता तो मुझे महाराज का सेवा मिलता था. महाराज के लिए प्रसाद मंदिर से लेके जाना तो महाराज का मसाज करना और सब सेवा मिल रहा था. काली दो असिस्टेंट रहता था तो महाराज बहुत पर्सनल थिंग्स मेरे से कन्वे बात करते थे. तो मेरे बारे में महाराज जानते हैं. मैं महाराज को बोले महाराज किस प्रकार मैंने इस प्रकार करके आपको बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है. आपके प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या किया मैंने ऐसे बताया है महाराज को. तो महाराज धीरे से मुस्कुराते थे. और मैंने बहुत साल के बाद ही सैफ्रॉन धारण किया है. तो महाराज को मैं पहले से बोले थे महाराज आफ्टर 50 आई विल 50 के बाद ही मैं धारण करूँगा. महाराज बोला ओके नो प्रॉब्लम. उसमें भी डिवोटी लोग बहुत बोलते थे. तो महाराज क्या है कोई ऐसे हमारे माइंड में जो नहीं है हमारे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है उसके लिए महाराज ऑर्डर नहीं देता. नो यू वेट दिस ऐसे नहीं बोलते महाराज कभी भी. तो मेरा जो हिस्ट्री भी सुना तो महाराज प्रॉब्लम नहीं है ऐसा. एक बार मायापुर में हम लोग पहले रेगुलर परिक्रमा करते थे वृंदावन और मायापुर कई साल कंटिन्यूस. तो उस समय ज़्यादा करके परिक्रमा के समय में भी बहुत ब्रह्मचारी गृह आश्रम का धारण करके चले जाते थे. तो मैं मायापुर में नीचे खड़े थे तो ऊपर से आवाज आया श्रीवास श्रीवास उतर. मेरे को महाराज श्रीवास बोला था. उतरा ऊपर गया तो महाराज बोला पहले गीजर चालू करना था. तो गीजर वगैरह चालू किया तो उसके बाद महाराज बोला शादी नहीं करो. ये बात मुझे 3 बार बोले थे महाराज. इधर भी बोले थे बोला माया महाराज नहीं है महाराज उस पर्पज़ के लिए नहीं है. तो माया में मत फंसो जल्दी जाओ मीरा रोड. इस प्रकार महाराज बहुत केयर करते थे. कोई डिवोटी मीरा रोड का है ब्रह्मचारी है तो इस प्रकार बहुत केयर करते थे. तो महाराज दीक्षा के बारे में भी दीक्षा के लिए भी महाराज को बहुत लेट लिया था मैंने दीक्षा. महाराज को एसोसिएशन होने के बाद भी हर दीक्षा में बैठता था है कि नहीं प्रभु जी. महाराज ऐसे हाथ रख के चले जाते थे मैं भागवत पढ़ते थे लेकिन मैं दीक्षा नहीं. मैं महाराज मुझे बोला आप दीक्षा क्यों नहीं ले रहे. मैं बोला महाराज मैं तैयार नहीं हूँ. फिर महाराज को बोले मैंने दोनों दीक्षा एक साथ दूंगा मैं लूँगा महाराज. ओके बोला फिर लिया. तो महाराज बोला फिर प्रेम से बोला आप निस्कोण में वो नियम नहीं है अगले साल आपको दूंगा. तो बोलो कोच्ची से बुला के महाराज दिल्ली बुलाया मेरे को फ़ोन करके बुलाया. हालांकि मैं दोबारा बोला भी नहीं किस प्रकार महाराज का मेंबर ये पता नहीं है ला कोई इंटरेस्ट वो भी मुझे पता नहीं है. महाराज बुला के उधर मुझे ब्राह्मण दीक्षा दिया है. ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद इस प्रकार बहुत एसोसिएशन महाराज से मिला है. तो मैं एक बार विदेश जा रहा था समय ना दो मिनट. तो एक बार मैं उस समय शुरुआत में विदेश जा रहे थे एक बार नहीं दो बार एक बार कन्या का टिकट भी आ गया था. उधर रेस्टोरेंट शुरू किया तो उधर उन लोग मुझे बुला रहे थे. तो कमल अनुभव और मैं
गए थे महाराज को मिलने, महाराज को मैं बोला मैं महाराज केन्या जा रहा हूँ, टिकट भी हो गया था, तो महाराज नो यू डोंट गो देयर, यू कैन डोंट स्टे देयर, ऐसे बोल दिए थे। तुरंत मैंने वो रोक दिया। थोड़ा कमल वो नाराज भी हो गए थे, अरे टिकट होने के बाद आप मना क्यों करे, बोला महाराज मना करते तो क्या जाए। फिर वो एक बार ऑस्ट्रेलिया जा रहा तो महाराज ने सीधा मना करे, नो यू डोंट गो, यू गो एंड सर्व इन हरिद्वार कुंभ मेला, सीधा ऐसे महाराज बोले। उधर भी कैंसिल करके कुंभ मेला में मैंने सेवा किया था, जो महाराज के जो आशीर्वाद से हरिद्वार में बहुत बहुत मिराकुलसली बहुत चीज हुआ है हमारे साथ। हमारे पास उधर लैंड बैंक, मैम लास्ट टाइम भी शायद बोला था, कोई भी लैंड वैंड कुछ नहीं था, 10,000 square feet है इस्कॉन का नाम है, अभी भी ऐसा ही है। तो उस समय महाराज को किसी ने कवर किया, हम लोगों को लैंड मिला, क्या महाराज दिल्ली में अनाउंस किया, हम लोग को 5-6 acre जमीन मिला है, आप लोग सब जाओ। तो बाद में मालूम पड़ा कुछ है नहीं है, तो क्या करेगा। हम लोग गाड़ी में जाने थे, एक लो लैंड देखा था, मैं ऐसे ह्यूमरसली बोला हमको नहीं मिला था, हम लोग एक इधर कर देंगे, तो थोड़ा नाराज भी हो गया था उन मैनेजमेंट में। तो बाद में हम लोग को कोई है नहीं, तो सीधा हम लोग JCB लगा के वो लेवल कर दिया लो लैंड, 5 acre से ज़्यादा। सच में महाराज जो बोला है वो सत्य हो गया है, भले बाद में उधर कलेक्टर बोला के डाटा अलग बात है, लेकिन महाराज का जो वाणी है 5 acre जमीन है वो सत्य हुआ है। तो मैं महाराज को ये भी बोला था, तो महाराज बोले मुझे कोई बोले थे इसलिए मैंने बोले, इसी प्रकार महाराज बोले। तो महाराज का जो विजन है, महाराज का जो बोलना है, जो प्रेडिक्शन है वो एकदम परफेक्ट है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैंने। तो ये सब होने के बाद महाराज वृंदावन में मिले थे, महाराज वृंदावन में मिले तो मुझे बोले यू वांट गो टू अब्रॉड टुमारो, आई एम गोइंग टू USA, यू गिव योर पेपर्स। महाराज बोला मुझे, महाराज को मैं बोला महाराज वांट्स यू फॉर वेयर नाउ, आई डोंट वांट गो। मैं थोड़ा जिद्दी टाइप था थोड़ा पहले से ही, तो महाराज फिर उसके बाद बोले ओके, तो थोड़ा ऐसे रुक गया। तो दूसरा दिन गोवर्धन में जा रहे थे, महाराज गोवर्धन में मुझे राइट हैंड से थोड़ा आलिंगन करके, मैं लेट हो गया था, मैं और पांडव प्रभु दिल्ली का जो है, तो मुझे ऐसे हाथ में लगा के चलो उधर छोटा सा मंदिर इधर से आ जाओ, ऐसे बोल के ऐसे पकड़ के छाती पे लगा एक हाथ से, वो मैं अभी भी स्मरण कर रहा हूँ महाराज का स्पर्श। और महाराज किसी को आलिंगन करते हुए देखा नहीं, मुझे वो भाग्य मिला है गोवर्धन में अप्सरागुंड के उधर। तो ये सब मैं स्मरण करता हूँ, और महाराज का अनंत गुण है अनंत। इधर मीरा रोड में जब आता है महाराज को हमेशा मैं आज में करता हूँ, मंगलारती के समय में महाराज का चरण में भी चरण धोवन करता हूँ, तो वो सब मौका मुझे हमेशा मिलते हैं। महाराज मंगलारती करने के टाइम मंगलारती हमेशा महाराज भगवान का चरण स्पर्श करते हैं, तो मैं खड़ा था एक बार, मैं जब मंगलारती कर रहा था पहले, तो महाराज सा विग्रह का चरण स्पर्श कर लिया, इधर खाके खड़ा रहा, तो मैं महाराज का स्मरण स्पर्श किया। महाराज ऐसे देखिए मुस्कुराता है महाराज, बोले ये ज़्यादा स्मार्ट है, गुरु का चरण पूरा ले लिया सारे। एक बार वृंदावन में महाराज किसी के घर पर मुझे भी बुलाए थे, तो उधर कुछ महाराज का प्रसाद रहा था, प्रसाद लिया महाराज, जब भोजन करने के बाद मेरे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ऐसे बाथरूम में उनके लेके गया, तो एक राइस मोर्सल इधर चावल का दाना इधर छिपका था, महाराज वापस आने का टाइम, रुमाल में हाथ पूछ के महाराज वापस आया, तो मैं धीरे से उठाया महाराज के सामने, ऐसे ऐसे मैंने खा लिया, तो महाराज आज मुस्कुरा यू आर ट्रिकी। महाराज वैसे ही यू आर ट्रिकी, महाराज प्रसन्न था ऐसे। तो हमारे शिष्यों का अधिकार है सब, ज़्यादा क्लोज जब होता है महाराज, पहले पहले समय महाराज बहुत है ना, बहुत फ्रेंडली होता था। एक बार जुहू में था, तो मैं था रूम में, महाराज दीवार के सामने गया, हल बोल हल बोल हल बोल, ऐसे महाराज ऐसे बोलता ना, तो मैं मोड़ में महाराज ऐसे क्यों करता है, पूछा नहीं है जैसे विचार करता, फिर मेरे को मेरा भाई ठीक है। मेरा भाई ठीक है, मैं लेक्चर दे सकता ना। इसी प्रकार देखो, गुरु एक मित्र जैसे है, लेकिन हम लोग बाद में जो अपराध करेगा ये तो साधारण ऐसे हैं फ्रेंडली जैसे शोल्डर पे हाथ मारे या गाल खींचे, ऐसा नहीं है। लेकिन महाराज इतना सरल, इतना सरल,
उधर ही दूसरे टाइम मेरे को बता रहा था, कल मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैं तो यार एकदम नया नया महाराज, क्यों मुझे ये सब बता रहा, मैंने विचार करता है तो मैं कल मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो क्या इंस्पिरेशन दे रहा महाराज पता नहीं। एक बार इधर बैठे बैठे मेरे सामने महाराज बोला, मुझे 30 लाख चाहिए, कल चाहिए, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। हाँ, मेरे सामने महाराज बोल रहा है, मैं समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में महाराज वो प्रॉब्लम उज्जैन का प्रॉब्लम था ना, महाराज क्या है, दूसरे खुद के लिए से ज़्यादा अपना गॉड ब्रदर के बारे में सोच रहा था, उनके लिए महाराज पैसा कलेक्शन करके कैसे भी करके दे रहा, अब किसी को पता नहीं है महाराज किसको किसको क्या कर रहा है, महाराज ये सब हिडन रूप से कर रहा है। मैं उधर था इसलिए मैं सुना है, बाद में उनके बारे में मैंने इधर उधर सेक्रेटरी से पता किया था, मालूम पड़ा उधर का उज्जैन का है, उज्जैन के लिए है। तो महाराज बड़े बड़े कार्य इस प्रकार करते हैं बहुत सरल रूप से। अभी लास्ट दिन महाराज यहाँ से जाने से पहले हमें बताया हुआ है, एकांत में से वो सोफे में बैठे महाराज ये ले रहे थे ऑक्सीजन के, वो ले रहे तो मैं कोने में बैठा था, तो महाराज बोला कम क्लोजर। मैं तो महाराज के नजदीक गया था, मेरे को महाराज आते हर्षवंत प्रभु, यू आर लिविंग लाइक ए किंग समथिंग लाइक दैट। मैं बोला नो महाराज, आई एम ए सन ऑफ अ किंग ऑफ साधु, आई एम ए प्रिंस, ऐसे बोला। तो महाराज बोला आई एम ए कोहली। तो वनमाली महाराज भी था, वनमाली महाराज बोले यस महाराज, यू आर टेकिंग ऑल द बर्डन ऑन योर शोल्डर, ऐसे बोले महाराज। फिर उसके बाद उसके लास्ट विजिट था महाराज का, तो उस विजिट में महाराज का जो एक रूमाल था वो मेरे पास अभी है, अभी महाराज का उस खुशबू अभी भी मैं ले रहा हूँ, उसमें एक रूमाल मेरे पास सेट के रूम में, बाकी सब माला है, बाकी ये सब है, उनके आदेश है, उनके प्रेम है। और पहली बार मैंने मीरा रोड में महाराज का व्यास पूजा कर रहा हूँ, तो विरह में वियोग में महाराज को नमन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण भगवत पाद महाराज की, होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील भगवत पाद आविर्भाव दिन महोत्सव की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री दास प्रभु ने अपना बहुत 25 साल का एक्सपीरियंस महाराज का बताया। आप लोग को ऐसा लगता है ये मंदिर बनाया मैंने, सेवा किया ये सब ऐसा, लेकिन आप लोग जो शास्त्री दास प्रभु ने बताया, सबसे पहले मैंने मंदिर में एक टॉयलेट बनाया था, और वो टॉयलेट बनाने के बाद में जब महाराज आए तो मेरे को पीछे आए साथ दिया, थैंक यू वेरी मच। तो किस लिए कि ब्रह्मचारी के लिए बहुत सुविधा रखो, मुझे हमेशा जब भी आते तो बोलते हैं ना हमेशा। एक बार बहुत बारिश हुई थी, महाराज आए, रूम में पानी था और पलंग के इतना 1.5 फुट तक थे, और ब्रह्मचारी क्या करते थे पानी में जाके बेड पे चले जाते थे, नो नीचे ऐसे। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे ब्रह्मचारी रहे हैं बहुत सारे, जो हमारे सीनियर ब्रह्मचारी बहुत, और महाराज जी हमेशा इनकी बहुत देखभाल करते ब्रह्मचारी, और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बोल, जब भी आएंगे तो बोलेंगे इनका ये व्यवस्था करो, इनका ये करो, ये करो। तो महाराज जी सभी डिवोटी केयर जो है ना, असली डिवोटी केयर जो करते थे वो महाराज करते थे। हरे कृष्णा, मैं कृष्ण शिष्य प्रभु, उसके बाद शालिग्राम कृष्ण प्रभु, आप तैयार रहिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नमने प्रभादस्य साहित्यमेह प्रकाशस्य वितरच प्रचारम कृतवान साधु भगवत पदार्थ नमो। मैं पहले तो आप सबसे माफी चाहता हूँ, मैं झुक के प्रणाम लेट के कर नहीं सकता हूँ, मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ था इसलिए मैं खड़े खड़े प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज भी मेरे को बहुत बार बोले आपको झुकना नहीं है, लेटना नहीं है। महाराज के सामने मैं कुर्सी में बैठता था, जब भी गुरु महाराज आते थे आप यहाँ बैठो सामने, तो कृपा थी गुरु महाराज के आशीर्वाद कृपा बहुत मिलता था। और गुरु महाराज की कृपा से जब गुरु महाराज का रूम है गेस्ट हाउस में, जस्ट उसके 2 रूम के बाद में मेरा रूम
मुझे मैनेजमेंट ने और महाराज ने रूम दिया था, मैं उधर रहता था। तो मैं हमेशा देखता था गुरु महाराज का टाइमिंग का, कोई टाइमिंग नहीं महाराज का। महाराज बोलते थे दस अवतार, उनका जो असिस्टेंट है उनके पहले भी दूसरे असिस्टेंट है, तो बोलते थे कि मैं 20 मिनट अभी रेस्ट करना चाहता हूँ जी महाराज। 10 मिनट जैसे हुआ ना, फिर टुन टुन घंटे बजाएंगे, देखो देखो बाहर कोई आया मेरे को मिलने के लिए, भेजो अंदर। फिर महाराज का दिनचर्या ऐसे चलता था, रात को 12 बजे तक महाराज सोते नहीं थे, 12 बजे के बाद सोते थे, 3 बजे उठ जाते थे, और कोई भी परिस्थिति में महाराज मंगल आरती करते थे, ये हमने देखा है। इसलिए हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, कुछ न करें कम से कम मॉर्निंग का साधना अच्छे से करें, इससे हमारे गुरु अति प्रसन्न, गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, गुरु महाराज के बारे में हम ज़्यादा क्या बोल पाएंगे, गुरु महाराज भगवान प्रभुपाद जी के अति प्रिय शिष्य में थे, हैं अभी भी। हमारे रूम से मैं मंदिर की तरफ आता हूँ तो महाराज के रूम के पास खड़े होकर देखता हूँ, लगता है कि अभी महाराज अंदर है। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण शिष्य प्रभु ये मंदिर बनाने में, फंड रेजिंग में बहुत बड़ा सहयोग आज भी कर रहे, पहले भी कर रहे थे, और गुरु महाराज ने उनको यही सेवा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में जो वो कर रहे हैं फंड रेजिंग, उसी को आप आगे बढ़ाइए। और एक बार गुरु महाराज, किसी ने बोला कि फंड रेजिंग के बारे में बोला कि मैं तो प्रचार करूंगा, फंड रेजिंग नहीं करूँगा, गुरु महाराज तुरंत एकदम जोर से बोले, व्हाई आई एम ऑल्सो डूइंग फंड रेजिंग एट दिस एज, यू कैन नॉट डू, यू कैन डू इट, ऐसा करके बोले। आपको बोला था महाराज के रूम में मिलने के लिए गया था, मैं अभी भजन करना चाहता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ना चाहता हूँ, अभी मैं हमेशा ब्यास आसन से लोग बैठ के कथा करते हैं तो पुजारियों का ज़्यादा प्रचार होता है वहाँ से, और भागवत गीता का ज़्यादा होता है, फंड कलेक्शन जो करते हैं उनका तो नाम ही नहीं आता है कभी भी। तो मैं सोचा ये काम थोड़ा तुच्छ काम है, ये उच्च उच्च सेवा नहीं है। तो एक दिन महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी मेरे थोड़ा शक्ति आएगा थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, तो महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। गुरु महाराज 9 दिन मंदिर में थे, मिरावट में थे, सौभाग्य था हम लोग को सेवा करने को मौका मिला था। तो मैं चुपके से महाराज के रूम पे गया, कैसे हो, ठीक हो गुरु महाराज, और कैसा चल रहा है सेवा आपका, ठीक चल रहा है महाराज, तो आप बताइए, मुझे मिलने आया हो जी गुरु महाराज, तो बताओ महाराज, ऐसा ऐसा है कि मैं अभी भजन करना चाहता हूँ, ये पैसा पैसा सुबह शाम दिन रात, मतलब क्यों, मतलब ये कोई उच्च सेवा नहीं है, कौन बोल रहा है, बोला महाराज वो जो भी व्यासासन में सीनियर डिब्यूटी बैठते हैं कथा करते हैं, कभी फंड के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ बोलते हैं भागवत गीता बेचो और अपना पुजारी सर्वश्रेष्ठ सेवा, और वो जो फंड कलेक्शन का तो नाम ही नहीं आता कभी भी। महाराज बोले वो सब मूर्ख है, तुम भगवान के लिए एक सुई भी लेके आओगे तो पैसा लगता है उसमें, एक फूल भी लेके आओगे तो पैसा लगता है, सर्वोत्तम सेवा है पैसा लेके आने के लिए। और आप जानते हो प्रभुपाद जी का भगवत धाम चले गए थे, मैंने बोला 1977 नवंबर 14 तारीख को, और प्रभुपाद जी 1977 अगस्त तक फंड कलेक्शन करते थे, उनके सामने 2 मंदिर ओपनिंग होना था, वृंदावन मंदिर जू मंदिर, तो 2 महीना पहले तक प्रभुपाद जी फंड कलेक्शन करते थे, और मैं आज भी कर रहा हूँ, तो आप ऐसा कैसे सोचते हो, आपको ये सेवा करना है जी गुरु महाराज, बोल के मैं बाबा से निकला। अभी मैं 2 मिनट और टाइम लूंगा प्रभु जी, तो अभी मेरे को शक्ति आया बोलने के लिए, 2 मिनट और बोलूंगा मैं, अरे प्रभु जी मेरे को दीजिए आप।
बोले तो एक बार हम लोग मायापुर में थे, परिक्रमा, मायापुर परिक्रमा करके एक जगह, मेरे को जगह का नाम याद नहीं रहता पर्टिकुलर, उस जगह में आने के बाद में हम लोग प्रसाद उत्साद खा के सो गए थे। तभी महाराज के साथ में वर्ष कुमार, हमारे मंदिर के एक डिवोटी अभी भीलवाड़ा में है, वो महाराज का असिस्टेंट है, तो उनका फोन आया, महाराज का ही फोन आया। महाराज बोले जल्दी से मेरे को लोकनाथ महाराज से बात करो। महाराज मायापुर में थे, तो मैं अभी देखता हूँ लोकनाथ महाराज को, सब जगह ढूंढ रहा हूँ कहीं मिले नहीं रहे। फिर महाराज बोल रहे कैसे तुम मेरे डिवोटी हो, हाँ चिल्ला रहे महाराज से उधर से, मैं पसी ठंडी में पसीना पसीना हो रहा हूँ। फिर किसी ने बोला रोड के उस साइड है ना, किधर है लोकनाथ महाराज। मैं रोड के उस साइड गया तो उधर महाराज सोए थे लोकनाथ महाराज। मैंने महाराज को मैं मोबाइल दिया, महाराज बात करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे पूरी महाराज जो पूरी के महाराज भगवत धाम चले गए थे, तो महाराज ये जानना चाहते थे कि लोकनाथ महाराज जाएंगे या मैं जाऊँ, तो अभी शायद महाराज गए थे। और एक लास्ट बात, जब मंदिर ओपनिंग हुआ था बीबीटी में, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था सामने ग्राउंड में, पंडाल लगा था, तो बहुत लोगों ने कंप्लेन किया हम लोग को, अरे यार तुम लोगों ने इतना फंड कलेक्शन किया, तुम्हारा तो नाम ही नहीं आ रहा इधर, सब दूसरे दूसरे लोग बोल रहे हैं। अरे राग दो ना छोड़ दो ना यार, उसमें क्या आता है, हाँ। तो बाद में क्या हो गया, हम सुधांशु प्रभु और मैं इधर से हम आ रहे थे, सुधांशु प्रभु याद होगा, और गुरु महाराज इधर से जा रहे थे। हम दोनों को मिल देख के महाराज इतना प्रसन्न हो गए, सुधांशु प्रभु को लेफ्ट साइड से और मेरे को राइट साइड से ऐसा पकड़ लिया महाराज ने 5 मिनट तक। हाँ आप लोग की सेवा से मैं भैया बहुत खुश हूँ, आप लोग ऐसे सेवा करते रहिए, आज जो सुंदर मंदिर बना है ना, आप सब आप दोनों का सेवा के द्वारा हुआ है। और मैं बोला ये तो चाहिए ना हमको भक्तों को, और क्या चाहिए, ज़्यादा वहाँ बोलने से क्या फायदा, मार्च की कृपा ऐसे मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।